बिहार में एनडीए सरकार में आए दिन पुल गिरने की खबरों और बेहाल कानून व्यवस्था के बीच आज पूरे विपक्ष ने प्रदेश में सरकार के खिलाफ आक्रोश तथा प्रतिरोध मार्च निकाला। इसी कड़ी में आज जहानाबाद जिले में भी बिहार की वर्तमान नीतीश सरकार में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों, बढ़ती बेरोजगारी, बलात्कार तथा हत्या की घटनाओं, बेलगाम अफसरशाही तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेताओं तथा सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज आक्रोश मार्च निकाला। बता दें कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इंडिया गठबंधन का यह आक्रोश मार्च जिले के स्टेशन से शुरू होकर मुख्य मार्ग होते हुए जिला समाहरणालय पर जाकर खत्म हुआ, जहां जहानाबाद विधायक मखदुमपुर और घोसी विधायक सहित इंडिया गठबंधन के तमाम अध्यक्षों एवं नेताओं ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जहानाबाद सदर विधायक कृष्णमोहन उर्फ सुदय यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में हत्या, बलात्कार और भ्रष्टाचारियों का बोलबाला बढ़ गया है। बेरोजगार युवाओं में सरकार के प्रति काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। देख लीजिए, आज इंडिया गठबंधन के बैनर तले पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में राज्य सरकार के मिलीभगत से जो अपराध बढ़ रहा है, हत्याएं रोज दिन बढ़ रही है और पूरे देश के पैमाने पे जो युवा बेरोजगार हो रहे हैं पेपर लीक के मामले से, इन तमाम मुद्दों को लेकर के अपने जिले में गिरती विधि व्यवस्था, अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी, रोज दिन हमारा लोग चाहे वो मालगुजारी का मामला हो या फिर जाति बनाने का, आवासी बनाने का मामला हो, किसी भी तरह की समस्याओं से लेकर के जब वो अपने मुख्यालय में आते हैं तो अपने आप को असहज महसूस करते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी आपने देखा कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश साहनी जी के पिता के जिस तरह निर्मम हत्या की गई, सरकार अपने आप को सुशासन की सरकार कहती है, सुशासन की सरकार की संज्ञा देती है। इन तमाम सवालों को लेकर के इंडिया गठबंधन के पूरा साथी हम लोग तीनों विधायक रामबली जी, सतीश जी और कांग्रेस पार्टी माने तमाम पार्टी के सभी मजबूत साथी आज सड़क पर उतर करके इस बेईमान सरकार से हम लोग हिसाब लेने का काम कर रहे हैं। कहाँ से निकाले हैं प्रदर्शन? हम लोग स्टेशन से जो शहर का मुख्य मार्ग होते हुए हम लोग जिला समाहरणालय पहुंच के ये सरकार के गूंगी बहरी जो अधिकारी है उसको हम लोग सुनाने के लिए आए हैं। वहीं मखदुमपुर विधायक सतीश कुमार ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एनडीए की सरकार बिल्कुल निकम्मी है और भ्रष्ट है। बिहार में इनकी सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। जब एक पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या सोए अवस्था में हो सकती है तो आम आवाम अपने आप को इस सरकार में खुद को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है। ठेकेदारों से इस सरकार की साठगांठ है, इसके चलते रोज रोज पुल गिरने की खबरें आती रहती हैं। रोज रोज किसी न किसी बहन बेटी की असमत लूटी जा रही है, मासूमों की हत्या हो रही है, मासूमों का गैंग रेप करके उनको गाड़ा जा रहा है, जिला जला दिया जा रहा है। लेकिन ये सुशासनी, ये थकी हुई सरकार जो रिटायर अफसरों को एक्सटेंशन दे के चलाई जा रही है, ये पूरा विधि व्यवस्था रिटायर अफसरों के हाथ में सौंप दिया गया है। कोई पुलिस का इकबाल नहीं है, कानून कहीं भी कानून का भय किसी अपराधी के अंदर नहीं है। इन तमाम सवालों को जो युवा बेरोजगार है, जो तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी सीएम थे तो 3.5 लाख जो पद सृजन किए थे उसको अविलंब बहाल नहीं कर रहे हैं और एग्जाम भी ले रहे हैं तो पेपर को बेच दे रहे हैं बड़े बड़े धनाट के यहाँ। अभी नीट का सवाल आप देख रहे हैं, उसी तरह के शिक्षक भर्ती का सवाल आप देख रहे हैं। तो इन तमाम सवालों को बिहार के जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन के तमाम जो कार्यकर्ता है आज जिला मुख्यालय पर आक्रोश प्रदर्शन के माध्यम से जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपेगा कि नीतीश कुमार गद्दी खाली कर। घोसी विधायक रामबली सिंह यादव ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हर वक्त सुशासन की रट लगाने वाली नीतीश सरकार कुशासन की ओर अग्रसर है। एनडीए की सरकार कोई भी परीक्षा सही से करवा नहीं पा रही है। यह सरकार युवाओं को धोखा दे रही है और प्रश्न पेपर बार बार बड़े ओहदेदारों के हाथों में बेच दिया जा रहा है। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी तो इसका सबसे बड़ा सबूत है। आज पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों में इंडिया गठबंधन की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया है और इसका जो उद्देश्य है, एक तो लोकल स्तर पर जो समस्याएं हैं, पेयजल संकट है, सिंचाई का संकट है, बिजली महंगी है, तो एक ये सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी वर्तमान में जो सरकार है बिहार के अंदर वो एक थकी हुई सरकार है और जो रिटायर्ड अफसर है उनसे ये काम ले रही है।
और इसलिए आज पूरे बिहार के अंदर अपराध चरम पर है। आप वीआईपी पार्टी के जो राज्य के बड़े मुखिया हैं उनके पिताजी की हत्या सोए हुए स्थिति में हो जाती है। टेकारी के संजय मांझी की हाथ काट दी गई, नवादा में पप्पू मांझी मुखिया की हत्या कर दी गई और नीतीश कुमार जी हाई लेवल मीटिंग की नाटक कर रहे हैं। लग रहा है कि पहले से लो लेवल कर रहे थे, अब ये हाई लेवल कर रहे हैं। इसके साथ साथ नीतीश कुमार का ये 20 बरस से जो बकवास नारा है वो चलते आ रहा है सुशासन और विकास का, तो विकास का तो हम लोग पूरे बिहार में देख रहे हैं, पुल लगातार गिर रहा है, लगातार पुल गिर रहा है। और अब बिहार के मुख्यमंत्री पैर पकड़ रहे हैं पदाधिकारियों को, इंजीनियरों को, और इसलिए प्रमुख मांग हम लोग का है कि अब बिहार इनसे नहीं चलेगा, नीतीश कुमार से नहीं चलेगा। खास करके भाजपा के साथ ये जब जब रहते हैं अपराध चरम पर रहता है, सामंती शक्तियों द्वारा अपराध की घटनाएं बढ़ जाती है, और इसलिए हम नीतीश कुमार को हटाने के लिए और आने वाले दिनों में नए और युवा नेतृत्व के हाथ में बिहार की सत्ता सौंपने के लिए पूरे बिहार में हम लोग ये मार्च निकालेंगे। वहीं आक्रोश मार्च में इंडिया गठबंधन के सभी दल, जिसमें राजद, कांग्रेस, माले, वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष, नेताओं सहित हजारों की संख्या में गठबंधन के कार्यकर्ता शामिल रहे।